आए सब अपने हाथों को उठाएं, हम तमाम बहन भाई अपने तमाम जड़ा वाला के उन चर्चेस के लिए, हमारी बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने अपने घर छोड़े, जिनके घर जलाए गए, चर्च की बेहरमती की गई, क्रासेस की, बाइबल्स की, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा इस मुल्क पर रहम करे और हमारे मसीहों पर भी खुदा रहम करे और इनको महफूज रखे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर जड़ावाला के तमाम कलीसियों के लिए, खानदानों के लिए जो आज सारा दिन भर डिस्टर्ब रहे, जिनके घरों को खुदा नुकसान पहुंचाया गया, तेरी स्लीप को नुकसान पहुंचाया गया, बाइबल्स की बेहरमती की गई, हम इन लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है जो तुम्हें सताएं उनके लिए तुम बरकत चाहना, तो देख खुदावंद हम सारे मसीह मिलकर उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं और उनके लिए विजडम की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमारा अच्छा मुनसफ है, इंसाफ करने वाला है। तो खुदावंद तू ही मसीहों को महफूज रख, तू ही मसीहों का इंसाफ कर, क्योंकि तू हमारा मुनसफ है और ये वतन हमारा है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती को मांगते हैं, पीस को क्लेम करते हैं और ख़ास तौर पर जड़ावाला के इलाके में अमन और सलामती को कायम कर। मैं तमाम अदारों के लिए दुआ करता हूँ, उनको हिकमत और दनाई दें ताकि वो मुसर तौर पर इस सारे वाक़ियात की तफ्तीश करें और खुदा हम तेरा पाकरुल कदस तेरे बेटे और बेटियों को जहाँ जहाँ पाकिस्तान में रहते हैं और खुदा इस तलवार के नीचे रहते हैं, खौफ में रहते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट कर और इनको महफूज रख, मसीह के नाम में, आमीन।